नमस्कार, मैं हूं सुकृति सलाथी और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक नए युग का गवाह बन रहा है जम्मू कश्मीर, विकास और शांति की असीम संभावनाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा ज्ञान, शिक्षा, समावेशी संस्कृति और लुभावना परिदृश्य का केंद्र रहा है, जो यात्रियों को हमेशा सुखद एहसास दिलाता रहा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्त बेअसर, 17 देशों ने माना जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के मामले में शुरू से ही चीन और पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुष्प्रचार से बेअसर दुनिया के 17 देशों ने माना जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्रीनगर में 31.58 करोड़ से ट्रांसपोर्ट नगर बांदीपोरा में कोर्ट परिसर का होगा निर्माण। परियोजना का उद्देश्य श्रीनगर शहर में भीड़भाड़ को कम करना, यातायात को सुचारू बनाना है। इसके पूरा होने से करीब 76 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को लाभ मिलने के साथ व्यापारियों की आजीविका में भी सुधार आएगा। जम्मू कश्मीर के वसीम ने यूपीएससी में 7वां रैंक किया हासिल। प्रदेश के इन 8 उम्मीदवारों ने चमकाया नाम। संघ लोक के सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के वसीम अहमद बट, परसनजीत कौर और नितिन सिंह ने शीर्ष सूची में जगह बनाई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।